साल 1956 सोवियत रूस ने अपनी पहली न्यूक्लियर मिसाइल SS-3 की तैनाती की और इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगी हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और हेलीकॉप्टर, रूस के हथियारों का जखीरा बहुत बड़ा है। आइए समझते हैं आखिर रूस के पास कुल कितने हथियार हैं, रूस कैसे भरता है हथियारों का जखीरा, सबसे ज्यादा हथियार किसे बेचता है रूस, रूस की सेना कितनी मजबूत है। आज के इस वीडियो में सुपर पावर रूस के हथियारों का एनालिसिस। सबसे पहले रूस के पास कितने न्यूक्लियर हथियार। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की 2021 की रिपोर्ट में रूस के पास 4,497 न्यूक्लियर हथियार होने का अंदाजा लगाया गया। इनमें 1,189 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, 816 सबमरीन लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल, 580 बॉम्बर्स हथियार थे, जबकि लैंड टू एयर, ग्राउंड टू बेस्ड एंड नेवल मिसाइल जैसी 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी हैं। इन 4,497 न्यूक्लियर हथियारों में 1,600 हथियार तैनात किए जा चुके हैं और बाकी 2,897 हथियार सुरक्षित रखे गए हैं। इतना ही नहीं, HM क्रिस्टेंसन और मैट कोर्डा की इस रिपोर्ट में 1,760 रिटायर्ड परमाणु हथियारों का भी जिक्र है जिन्हें डिसमेंटल होने का इंतजार है। इन्हें आपात स्थिति में युद्ध में उतारा जा सकता है। कुल मिलाकर रूस के पास 6,297 परमाणु हथियार है जो जान माल का भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस के हथियारों का कारोबार कितना बड़ा। रूस के हथियारों का कारोबार का इस्तेमाल दुनिया में रूस के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए करता है। वो हर साल हथियार बेचकर करीब 1,300 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपए कमाता है। रूस के सभी हथियार रोसोब्रोन एक्सपोर्ट बेचती है जो फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अंडर आती है। पिछले 20 साल में रूस टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर की सूची से बाहर कभी नहीं गया। वो इस मामले में अधिकतर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर रहता है। बीते 5 सालों में उसने सबसे ज्यादा 23% हथियार भारत को बेचे। रूस ने भारत के साथ कई बड़े हथियार साझा किए। इनमें 5S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 140SU-30MK एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट कैरियर रशियन गोस्कोव जो अब INS विक्रमादित्य, 3 तलवार क्लास फ्रेगेट शामिल है। किस किस से हथियार खरीदता है रूस। सिप्री का डेटा बताता है कि रूस हथियारों के लिए काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट है। हथियारों के टॉप 40 इम्पोर्टर्स में उसका नाम नहीं है, लेकिन यूक्रेन से रशिया ने काफी हथियार 20% खरीदे हैं। यानी जिन हथियारों को दिखाकर रूस यूक्रेन को डरा रहा है उनमें खुद यूक्रेन के हथियार भी शामिल है। यूक्रेन ने चीन के बाद सबसे ज्यादा रूस को ही हथियार बेचे हैं। रूस के पास कितने हथियार। रूस के पास सक्रिय जवान 10 लाख, लड़ाकू विमान 1531, फाइटर हेलीकॉप्टर 538, टैंक 13,000, आर्म्ड व्हीकल 27,100, तोपखाने 4,465, छोटे जंगी जहाज 214। वहीं रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास 2,55,000 सक्रिय जवान, 67 लड़ाकू विमान, 34 फाइटर हेलीकॉप्टर, 2,430 टैंक, 11,435 आर्म्ड व्हीकल, 2,040 तोपखाने, 13 छोटे जंगी जहाज हैं। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना भले ही कमजोर दिख रही हो मगर उसे नाटो देश और US का समर्थन प्राप्त है, इसलिए रूस यूक्रेन विवाद पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल है।